हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपने YouTube चैनल के लिए एक कस्टम डोमेन बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने YouTube चैनल के लिए एक फ्री कस्टम डोमेन ले सकते हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो डोमेन लेने के लिए आपको सबसे पहले कोई ब्राउज़र पे जाना है, जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है cc.cc। सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो लिखा हुआ है गेट स्टार्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक अकाउंट बना लेना है, तो यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस जो भी होगा यहाँ पर आपको डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है और यहाँ पर कॉन्फर्म पासवर्ड डाल देना है। तो हम ईमेल के लिए हम यहाँ पर टेम्प मेल का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर मैं टेम्प मेल पे आ चुका हूँ, यहाँ से जो भी ईमेल है मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, तो यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड, उसके बाद कॉन्फर्म पासवर्ड देखे यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर गाइस पासवर्ड डाल देने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है, तो आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है चैनल URL, तो यहाँ पर आपका जो भी चैनल का URL है वो आपको डाल देना है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको ही डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसको। उसके बाद जो भी कस्टमाइज URL मतलब आपका जो भी चैनल नेम है वो आपको यहाँ पर आपको डाल देना है, तो यहाँ पर मैं कोई भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पर कोई भी एक चैनल नेम मैं रख देता हूँ, जो आपका डोमेन होगा वो होगा .cc.cc, ठीक है। तो देख सकते यहाँ पर लिखा हुआ है योर नेम, उसके बाद .cc.cc। तो यहाँ पर सब कुछ करने के बाद यहाँ पर आपको कॉन्फर्म चॉइस पे क्लिक कर देना है। कर देने के बाद जो भी सेटअप है यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर आपको आपका URL जो है यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप किसी को ये जो भी URL है इसको आप शेयर करते हो तो जो भी आपका YouTube चैनल होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एक कस्टम डोमेन आप अपने चैनल के लिए ले सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर जाके इस वेबसाइट को ज्वाइन कीजिए और यूज़ कीजिए। तो मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।